I am Ujwal Kumar, currently studying at Maulana Azad Medical College. I will share my journey of NEET preparation briefly. Before that, I would like to thanks to mentors EduServe for providing me the platform. I will try to speak as frankly as I can. मेरा NEET तीसरे attempt में निकला. First time 2016 में 12th के साथ दिया और माई स्कोर वॉज अराउंड 360. फर्स्ट ड्रॉप आई मीन सेकेंड अटेम्प्ट 2017 में मेरे 490 मार्क्स आए एंड अप्रॉक्सीमेटली 38,000 रैंक. सेकेंड ड्रॉप थर्ड अटेम्प्ट 2018 में आई गॉट 617 मार्क्स एंड 771 रैंक. मैंने ड्रॉप क्यों लिया? इस आंसर के पहले ये बता दूं कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ड्रॉप लेकर. टाइम लगा लेकिन नीट निकल गया. चूंकि अपना मेडिकल प्रोफेशन करियर लंबा है तो एक दो साल पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. और असल कारण ये था कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. मैंने अपना पूरा डेडिकेशन समर्पण नीट को दे दिया था. ये सोच थी कि इस बार इतना मेहनत करूंगा कि कम से कम कोई कॉलेज में सीट मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए. एक्चुअली माई पेरेंट्स वेर सपोर्टिव. पहली बार में तो उन्होंने बोला कि एक ड्रॉप ले लो, और दूसरी बार में उन्होंने देखा कि देर इज़ अ कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली सिक्योर अ गुड रैंक. इवन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट रैंक इनिशियली. एट दैट टाइम आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट सिलेक्शन. मेरा हमेशा से समझने पर फोकस रहा रटने की बजाय. 12th में तो बहुत कमी चीज़ समझ आती थी. 2017 के नीट के टाइम 70-85% चीज़ें आती थी, और सिलेक्शन के लिए चाहिए कि लगभग 100% टॉपिक्स आए. और उसके बाद डिपेंड करता है हमारी एफिकेसी पर कि हम कितना आउटपुट निकाल पा रहे हैं, और नेगेटिव कितना कम है, प्रैक्टिस कितना है, कमांड कितना है. और इसके लिए चाहिए ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस और ढेर सारे टेस्ट. एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एडवांटेज मैं मेंशन करना चाहूँगा. चूँकि हमने पूरा सिलेबस पहले भी पढ़ रखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और टेस्ट में कोई दूसरा टॉपिक आ रहा होता है, तो ऐसे में उस टॉपिक को बिना पढ़े भी हम टेस्ट दे सकते हैं. व्हाट आई रियलाइज्ड इज मोटिवेशन इज अ साइक्लिकल थिंग. जब हम पढ़ाई खूब करते हैं और अच्छे क्वालिटी का करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ हम मोटिवेटेड फील करते हैं, और जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं तो और अच्छी पढ़ाई करने का मन करता है. ऑफ कोर्स दे वेर हैप्पी, दे वेर लाइक देर आए लेकिन दुरुस्त आए.